हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिनको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वह उसके एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, है ना। और कहा गया कि 5 ईयर एगो जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल पहले जो जैकब की एज थी उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। और हम लोग को फाइंड करना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब उनकी प्रेजेंट एजेस क्या हैं। तो देखिए, एज वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप हमेशा प्रेजेंट एज को एज्यूम करिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन इस एक्स ईयर। मतलब जैकब के सन की एज जो थी वह कितनी थी, एक्स ईयर, एंड एज ऑफ जैकब इस वाई ईयर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो प्रेजेंट एज हमने मान लिया, जैकब के सन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान लिया है और जैकब की एज जो है वाई ईयर हमने मान लिया है। ठीक बात है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया 5 ईयर हेंस, 5 ईयर हेंस मतलब 5 साल बाद। आप देखिए 5 साल बाद जो है जैकब की एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज के, है ना। तो 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वह वाई प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, और जो सन की एज होगी 5 साल बाद वह क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5। और इस सिचुएशन में कहा गया है कि जो जैकब की एज है सन की एज की 3 टाइम्स होगी। तो इसका मतलब यह एक इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x प्लस 15। तो आप इसको एक तरफ लाइए, 3x माइनस आप इधर y ले आएंगे इज इक्वल टू, देखिए 15 है ना, इस तरफ लाइए माइनस 10। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यह पहला लीनियर इक्वेशन बना लिया जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, कहा गया 5 ईयर एगो, तो देखिए 5 साल पहले तो जैकब की एज कितनी जाएगी, वाई माइनस 5। ठीक है, और सन की एज कितनी रही होगी, एक्स माइनस 5, ये ना भाई प्रेजेंट टाइम से। तो इस केस में कहा गया है कि जो जैकब की एज है सन की एज की 7 टाइम्स है। तो देखिए हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते, वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। ठीक है, अब आप इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक तरफ ला दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हम लोग करेंगे, 7x है ना, उधर ट्रांसफर कर लेते हैं y को, 7x माइनस y, और 35 इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस 35 माइनस 5 है तो 30। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग के पास यहाँ पर देखिए 2 लीनियर इक्वेशन बन गए, इनको फिर लिख लेते हैं, कौन सा पहला, 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन 7x माइनस y इज इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कोफिशियंट सेम है तो ज़्यादा आसान है ना। तो हम लोग इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 1 में से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस हो गया प्लस माइनस। तो देखिए 3x माइनस 7x तो माइनस 4x और माइनस 10, अब देखिए यहाँ पे सबट्रैक्ट करें तो माइनस 40। ठीक बात है, तो x इज इक्वल टू कितना, 10, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, फिलहाल हम लोग 1 में पुट करेंगे, तो देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 3 × 10 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, तो y इज इक्वल टू देखिए 30, इधर आ गया 40। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन की प्रेजेंट एज है वह 10 ईयर है और जो जैकब की प्रेजेंट एज है वह 40 ईयर है। तो आंसर क्या लिखेंगे, एज ऑफ सन इज 10 ईयर एंड एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर। तो हम लोग यह क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके प्रेजेंट एजेस जो थी जैकब और उसके सन की यह फाइंड कर पाए, और यहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेशन में। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है और उनके डिजिट का सम 13 है। उसके बाद द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट
ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड दैट नंबर बाई 27। अगर जो नंबर है उसके डिजिट को बदल दे रहे हैं तो गिवन नंबर से 27 ज़्यादा हो जा रहा है और हम लोगों को नंबर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर एज्यूम करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ये एज्यूम कर लेना, लेट डिजिट एज्यूम करेंगे हम लोग डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एक्स। हमने मान लिया कि यूनिट प्लेस पे एक्स है एंड डिजिट एट टेंथ प्लेस इज वाई। तो हमने एज्यूम कर लिया कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वह एक्स है और टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वह वाई है। तो इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग पहले नंबर लिख लेते हैं। नंबर इज इक्वल टू, देखिए यूनिट प्लेस पे एक्स है ना, तो एक्स और जो नंबर टेंथ प्लेस पे है वह प्लेस वैल्यू के साथ लिखेंगे। इसका मतलब नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x। चलिए ठीक है। और उसके बाद देखिए जो रिवर्स नंबर है वह क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर मतलब अगर आप डिजिट को बदल देंगे तब क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा 10x + y। तो यह हमने पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग रिवर्स नंबर और जो ओरिजिनल नंबर है वह फॉर्म कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि द सम ऑफ टू डिजिट्स डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 13। मतलब जो डिजिट्स हैं कौन एक्स एंड वाई, उसका सम यहाँ पर गिवेन है, वह सम है कितना 13। तो देखिए यह इक्वेशन एक बन गया ना। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि जो नंबर आप इंटरचेंज करके बना रहे हैं, यह नंबर मतलब कौन सा नंबर 10x + y, वह जो ओरिजिनल नंबर है उससे 27 ज़्यादा है। मतलब ओरिजिनल नंबर क्या है 10y + x और इससे यह 27 ज़्यादा है। मतलब जो रिवर्स नंबर है वह ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10x + y और आप इसको इधर लाइए, ठीक है, तो -10y - x इज इक्वल टू 27। तो 10x - x कितना हो जाएगा 9x और यह y और -10y है ना, तो -9y इज इक्वल टू 27। आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो x - y इज इक्वल टू 3। तो यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो पहला इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 13 और x - y इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो दोनों इक्वेशन हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8। अब ये जो वैल्यू है आप इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, पुट इन 3, ठीक है। तो देखिए x + y बराबर 13 है, यहाँ पे लो 8 रख दिए, 8 + y बराबर 13, तो y इज इक्वल टू कितना 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम लोग पा गए यहाँ पर कितना 8 और y की वैल्यू 13। फिर हम लोग फाइनली नंबर क्या हो जाएगा, देखिए नंबर इज इक्वल टू, देखिए कितना था 10y + x, मतलब कितना 10 × 5 + 8 58। इसका मतलब है कि जो नंबर था वह कितना था 58। तो देखिए डिजिट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस पे जो नंबर है उसको एज्यूम करिए, फिर नंबर लिखिए, रिवर्स नंबर लिखिए, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इक्वेशन आप फॉर्म करिए और उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन बनेगा उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालिए। तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो किए और यहाँ पर हम लोग नंबर जो है वह पाए कितना 58। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 58। तो जो टू डिजिट नंबर था वह 58 था। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/x + 1/y इज इक्वल टू 2 एंड 2/x + 3/y इज इक्वल टू 5। देखिए एक्चुअल में यह लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो यह वेरिएबल है एक्स नीचे है ना, तो 1/x को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, क्या इसको हम लोग फिलहाल यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू यू। और देखिए 1/y यूज हुआ है ना, डिनोमिनेटर में y है, तो 1/y को आप लिख दीजिए v। तो इससे जो ये इक्वेशन है वह कन्वर्ट हो जाएगा u + v इज इक्वल टू 2। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 1/x को u लिखिए तो यह 2u हो गया,
वन अपन वाई को वी, तो यह थ्री वी हो गया इज इक्वल टू फाइव। तो अब यह जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए देखिए हम यू का कोफिशियंट सेम कर ले रहे हैं, जहाँ पर हम इक्वेशन नंबर वन को टू से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो यह हो गया टू यू प्लस टू वी इज इक्वल टू फोर, ठीक है। यह इक्वेशन नंबर वन था, इसको हमने लिख लिया, फिलहाल हम इसको थ्री कर दे रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन था 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 5 दूसरा था, तो ऐसे ही उतार लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो यह जीरो हो गया, सबट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए 2v माइनस 3v, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस 1, तो v इज इक्वल टू कितना 1। अभी जो v की वैल्यू आई है आप इसको इक्वेशन नंबर वन में, टू में जो या थ्री लिख रहे हैं कहीं सब्स्टिट्यूट करिए, तो हम इसको पुट कर दे रहे हैं फिलहाल वन में, पुट इन फर्स्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा, u प्लस वी की जगह वन बराबर टू, यानी u की वैल्यू कितनी हो गई वन। अब यहाँ पे देखिए v की वैल्यू अगर वन आई थी, इसका मतलब v क्या था, वन अपान वाई था ना, तो वन अपान वाई बराबर वन, तो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन। अब देखिए u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वन, u का मतलब कितना था वन अपान एक्स इज इक्वल टू वन, तो x की वैल्यू कितनी हो गई वन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या पा गए, x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू वन। तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर प्रॉपरली वाले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिए होंगे, तो आप सुटेबल वेरिएबल एज्यूम करेंगे और उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के आप बहुत से क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखिए आज के पार्ट में हम लोगों ने कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखे और साथ में एक ऐसा क्वेश्चन भी देखा जहां पर हम लोग वेरिएबल को चेंज करके उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।